फ्रेंड्स एंड पंजाबी न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों का मैं हरसिमरन कौर साडी इस खास रिपोर्ट दे विच स्वागत करती हाँ। केंद्र वालों पास किए गए नवे खेती कानूनों के विरोध में पिछले कई महीनों तो पंजाब में चल रहा किसानी अंदोलन हूँ अपनी चरम सीमा से पुजता नज़र आ रहा है, जिस तहत किसान जथेबंदियों ने 26 और 27 नवंबर को दिल्ली जाके मोदी सरकार को वंगारन का तहिया कर लिया है और किसान जथेबंदियों ने दिल्ली वाल कूच करन दीयां तैयारियां विड दित्तियां हन। किसानों की इस्लामबंदी को देखद मोदी सरकार ने बड़ा सख्त रुख अपनाद हरियाणा विचली बीजेपी सरकार ने पंजाब के किसानों पंजाब हरियाणा बॉर्डर से ही रोके जाने के हुक्म जारी कर दिए हैं। इन्ह हुक्मों की तामील करद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा पुलिस को सख्त हदायत करद पंजाब तो आने वाले किसानों किसी भी हाल में हरियाणा में दाखिल होने तो रोकने का फरमान जारी कर दिता है। इसे तहत पंजाब नाल लगते हरियाणा के बॉर्डर नूं सारियां थावां तो तारबंद करके सील कर दिता गया है, पर इत्थे दिलचस्प के वी है कि हरियाणा ने दिल्ली के हुक्मां ते पंजाब के खिलाफ अजिही पेशबंदी पहली बार नहीं की, सगों इस तो पहला भी हरियाणा के बदनाम मुख्यमंत्री भजन लाल विश्नोई पंजाब अते सिखां खिलाफ अजिहियां कोझियां चालां चल चुके हैं। 1983 दीआं एशियाई खेडां दौरान जिस तरह दिल्ली नूं जांदे पंजाबियां ते सिखां नूं रोक के जलील कीता सी, मनोहर लाल खट्टर भी उसका दौरा करदे नजर आ रहे हैं। याद रहे 21 जुलाई 1983 नूं पंजाब दे वादधिकारा बारे इंदिरा गांधी नाल गलबात करन अते कोई सुखावां हल ना निकलण मगरों अकालियां वल्लों अगले महीने अगस्त विच होण जा रहीआं एशियाई खेडां दौरान अपने नाल होए माड़े विहार नूं दसण अते मंगा पूरियां ना होण करके दिल्ली जाके केंद्र सरकार विरुद्ध नारेबाजी करन दा ऐलान कीता गया सी, जिस तो बाद हरियाणा दे मुख्यमंत्री भजन लाल ने हरियाणा पुलिस नूं निर्देश जारी कर दिते सन कि हरेक सिख जो रेलवे जां सड़कां राहीं दिल्ली जावे उस नूं रोकिया जाना चाहीदा है, उसकी तलाशी ली जानी चाहिए है, पुछगिछ की जानी चाहिए है। उस समय इंदिरा गांधी की अगवाई वाली कांग्रेस की सरकार सत्ता में सी। ये पहली बार सी जदों एक भाईचारे के तौर पर सिखा ने वड्डे पद्धर से वितकरे का सामना किया और जदों केंद्र सरकार ने उन्होंने भारत में रहिंदे होर लोगों तो अलग व्यवहार किया। हुण सवाल यह पैदा होंदा है कि 37 साल बाद भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर क्यों भजन लाल बिश्नोई के रस्ते दे चलण लई मजबूर हैं। दस दिए कि भजन लाल अते मनोहर लाल खट्टर दो वख वख पार्टियां कांग्रेस अते बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, पर पंजाब खिलाफ दिल्ली दरबार अते उन्हां दी नीति एक रही है। इस गल दा अंदाज़ा इत्थों लगाया जा सकता है कि बीते कल मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करदिआं कहा कि किसान अपने हक्कां दी लड़ाई लई अपने पंजाब विच रोस प्रदर्शन कर सकते हैं, पर दिल्ली वल उन्हां नूं नहीं जान दिता जाएगा। खट्टर ने कहा कि दिल्ली वाल कूच करन दा फैसला गलत है, हक्कां लई आवाज उठाउणी कानून दे दायरे विच रह के उठाई जा सकती है। उन्हां केंद्र वल्लों पास कीते गए खेती कानूनां नूं किसानां दे हित विच दसदिआं कहा कि किसानां वल्लों इसका विरोध नहीं बल्कि सियासी रोटियां सेकण वाले इसका विरोध कर रहे हैं। उन्हां कहा कि किसानां नूं चाहीदा है कि उह सरकार नाल बैठ के गलबात करन। जिक्रयोग है कि शांतमई तरीके नाल इकट्ठे होण अते रोस प्रदर्शन करन दा हक बुनियादी अधिकारां विच्चों इक अधिकार है। जे हरियाणे दी गल करिए तां केंद्र सरकार अते हरियाणा सरकार हमेशा इक्को पार्टी दी रही है, जबकि पंजाब दा इतिहास बिल्कुल उलट रहा है। जे इतिहास वल झात मार के देखिए तां हरियाणा केंद्र नाल रल के हमेशा ही पंजाब दे खिलाफ भुगतता रहा है। हरियाणा अपने आप नूं खेतरी हक्कां दे बजाए हमेशा ही दिल्ली दे हक्कां नाल जोड़दा रहा है। कुछ को दिल्ली कुछ का जो एक आह्वान किया हुआ है हम उसको उचित नहीं मानते हैं, और उसको उचित न मानते हुए लाइन रोड की स्थिति बनी रहे इसके लिए पुलिस के द्वारा कुछ सख्त कदम उठाए जाने की योजना बनाई गई है कि वो सख्त कदम उठाए जाएंगे। और इसमें जनता से अपील ये है कि 25 और 26 तारीख कम से कम पंजाब जाने वाले जो बॉर्डर्स हैं हरियाणा पंजाब के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ जाने की तरफ थोड़ा अवॉइड करें, जीटी रोड पर हाईवेज पर ना आए, क्योंकि उन रोड्स के ऊपर थोड़ा सख्ती बरती जाने की योजना है। और इसी प्रकार से 26 और 27 तारीख को हरियाणा दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं उन पर भी जाने को अवॉइड करें, इसके बिना ही अपना काम चलाएं, वहाँ भी उन दो दिनों में सख्ती बरती जाने की एक योजना बनाई गई है, ताकि हम किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हमारी पुलिस जो अलर्ट है उस नाते से हमने ये व्यवस्था की है। और मैं किसानों को अपील करता हूँ कि ये जो कुछ किसान संगठनों ने आह्वान किया हुआ है ये इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जो 3 कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं वो किसानों के हित में हैं। उसमें हमने घोषणा की है, बार बार की है, अब फिर मैं कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ हरियाणा में
ना तो हम मंडियों को डिस्टर्ब करेंगे बल्कि पहले से मंडियां जितनी है उसको ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। खेती बिलां दे मामले विच पंजाब अते हरियाणा दे किसान दोवें ही दिल्ली दी भेट चढ़ रहे हैं। समय दी लोड़ है कि इतिहास तो सबक लैके हरियाणा दी सरकार अते हरियाणा दे किसान दोनों नूं ही यह समझना चाहीदा है कि हरियाणा अते पंजाब दोनों दे किसानां दे हित सांझे हन अते हरियाणा दी सरकार नूं पंजाब दी सरकार नाल रल के इन्हां बिलां नूं रद्द करवाउण लई सांझे यतन करने चाहीदे हन। इस खास रिपोर्ट विच इन्ना ही, कल फिर हाजिर होवांगे किसी नवीं रिपोर्ट दे नाल। उदों तक तुसीं जुड़े रहो NZ पंजाबी न्यूज़ दे नाल।